दोस्तों ये है बीट एक्सपी वेगा एक्स स्मार्ट वॉच और ये है फिटशॉट एस्टर और आज इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट होने वाला है। वैसे ये दोनों वॉचेस 3000 के अंदर में बेस्ट हैं बट इन दोनों में से कौन सी बेटर है, कौन सी आप लोगों को लेनी चाहिए, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर दोनों के डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और ये आप लोगों के ऊपर है कि कौन सी डिज़ाइन आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। एस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह का मिनिमल सा लुक मिल जाता है और आपको एक बटन दी गई है जो कि रोटेटिंग क्राउन है। और वहीं बात करें बीट एक्सपी की तो यहाँ पर आपको इस तरह का लुक मिल जाता है जो कि मॉडर्न लुक के साथ आती है और इसमें आपको दो बटन दी गई है, एक रोटेटिंग क्राउन है और एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड की दी गई है जिससे आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। तो डिज़ाइन दोनों की अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। और स्ट्राइप की बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही आपको 22mm का स्ट्राइप मिल जाता है। एस्टर की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्राइप दिया गया है जिसमें आपको यूनिक सा पैटर्न भी मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है मेटल स्ट्राइप का। जबकि बीट एक्सपी की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्राइप दिया गया है और यहाँ पर आपको कोई भी मेटल वाला स्ट्राइप नहीं मिलता है। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी दोनों वॉच की काफ़ी अच्छी है और दोनों वॉच बराबर हैं। बाकी दोनों ही वॉच में IP68 की रेटिंग मिलती है तो दोनों को आप जल्द मीडिया घर बनाने तक यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर दोनों की डिस्प्ले भी बिल्कुल एक साइज़ की है और दोनों में आपको 1.43 इंचेस की काफ़ी शानदार क्वालिटी की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें 466x466 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है। तो डिस्प्ले दोनों की शार्प है और दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। बाकी ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर एस्टर में आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इसकी। जबकि बीट एक्सपी की बात करें तो यहाँ पर इसकी भी डिस्प्ले काफ़ी हद तक ब्राइट है और आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं बट एस्टर की डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है। और बेजल की बात करें तो यहाँ पर दोनों में एक जैसे बेजल भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में मुझे एस्टर ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि यहाँ पर इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और दोनों ही वॉचेस में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। और एस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको दो तरह के वॉचेस मिलते हैं जबकि बीट एक्सपी की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन तरह के वॉचेस मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन में और दोनों में ही आपको AOD में कलरफुल वॉचेस मिल जाते हैं जो कि काफ़ी मस्त लगते हैं। दोनों ही वॉच में आपको रेस्ट वॉक फंक्शन मिल जाता है जो कि रिस्पॉन्सिव है और अच्छे से वर्क करता है और दोनों की स्पीड भी बिल्कुल बराबर है। और वॉचेस की बात करें तो यहाँ पर बीट एक्सपी में आपको बिल्ट इन 11 वॉचेस मिल जाते हैं वॉच में जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं और एप्लीकेशन में आपको 100 से भी ज़्यादा वॉचेस का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि एस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 6 वॉचेस मिलते हैं वॉच में जो कि इससे कम है और यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं और इसमें भी आपको 100 से भी ज़्यादा वॉचेस का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर वॉचेस के मामले में कहीं ना कहीं बीट एक्सपी जीत जाती है। उसके साथ ही बीट एक्सपी में आपको 5 प्रकार की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बस 3 तरह की ही मेन्यू स्टाइल मिलती है तो यहाँ पर भी एस्टर पीछे रह जाती है। अब आते हैं दोनों वॉच के हेल्थ फीचर्स पे तो यहाँ पर दोनों में ही 100 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, उसके बाद हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SPO2, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर मिलने वाला है। यहाँ पर बीट एक्सपी में आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर भी मिल जाता है जो कि एस्टर में नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाती है। बाकी दोनों वॉच की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है और दोनों का रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आता है, चाहे हार्ट रेट की बात करें, SPO2 की बात करें, स्लीप ट्रैकिंग की बात करें या फिर पेडोमीटर की बात करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्सीमीटर में 79 BPM शो कर रहा है और एस्टर में 77 है और बीट एक्सपी में 78 है। तो यहाँ पर जो दोनों का रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है और दोनों की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीमीटर में जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे दोनों वॉच में भी घट रहा है तो दोनों ही वॉच में आपको हार्ट रेट की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिल जाती है। बाकी SPO2 की बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही रेड लाइट सेंसर दिया गया है और SPO2 भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीमीटर में 96 आया है और बीट एक्सपी की बात करें तो यहाँ पर भी 96 आ गया है। बाकी जो एस्टर है वो थोड़ा स्लो है और देखते हैं कि इसमें कितना रिजल्ट आता है। तो देख सकते हैं एंड में एस्टर में भी 96 आ गया है और दोनों का जो SPO2 वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो दोनों की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और इस मामले में दोनों वॉच बिल्कुल बराबर हैं। बस यहाँ पर बीट एक्सपी में आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है जो कि इसमें नहीं मिलता है और वो उतना मायने नहीं रखता है। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी वॉच के बारे में फुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। बाकी अब आते हैं बेसिक फीचर्स पे तो यहाँ पर दोनों में ही आपको वेदर फोरकास्ट मिल जाता है जहाँ पर आपको 4 दिन का वेदर शो हो जाता है, उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल और अलार्म का फीचर मिल जाता है और वॉच से आप अलार्म को सेट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके बाद वॉइस असिस्टेंट हो गया, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड फोन, उसके बाद कैलकुलेटर और पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक करने का फीचर भी मिल जाता है। तो ये तो हो गए वो फीचर्स जो कि दोनों ही वॉचेस में बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। बाकी एस्टर में आपको एक गेम भी मिल जाता है जिसको खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं, उसके बाद SOS का फीचर दिया गया है जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है और इसमें आपको फ्लैश लाइट का फीचर भी मिल जाता है जो कि अंधेरे में आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और बीट एक्सपी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको एस्टर में नहीं मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैलेंडर का फीचर दिया गया है, उसके बाद कैमरा कंट्रोल, उसके बाद वर्ल्ड क्लॉक और यहाँ पर स्टॉक्स का फीचर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी यूजफुल फीचर है। तो यहाँ पर भी दोनों वॉच लगभग बराबर हैं बट मुझे बीट एक्सपी ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स मिल जाते हैं
और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। बीट एक्सपी में आपको सिंगल चिप का सपोर्ट मिलता है जबकि एस्टर में आपको सोलो सिंगल सपोर्ट मिल जाता है और दोनों का काम एक ही है। आपको बस एप्लीकेशन में पेयर करना है और कॉलिंग फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको दो जगह पर पेयर नहीं करना है। और ऐप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बीट एक्सपी में आपको खुद की बीट एक्सपी ट्रैक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बेसिक सी एप्लीकेशन है और आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। और एस्टर की बात करें तो इसमें थर्ड पार्टी ऐप का सपोर्ट मिल जाता है जिसका नाम है ग्लोरी फिट, और उसमें भी आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोनों की एप्लीकेशन अच्छी है बट मुझे बीट एक्सपी की ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि यहाँ पर खुद की ऐप का सपोर्ट मिलता है जो कि मुझे अच्छा लगा। अब दोनों में ही आपको कॉलिंग फीचर मिल जाता है और दोनों के स्पीकर और माइक्रोफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो आराम से आप बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बीट एक्सपी में आप 20 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं जबकि एस्टर में आप 100 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ी बात है और इस मामले में ये जीत जाती है। और स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया लग जाए। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं, एक्सट्रीम फिक्स लाइन के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। आपने एयरटेल डिजिटल सेवाएं चुनी है, पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं, मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। तो यहाँ पर मुझे एस्टर का स्पीकर थोड़ा सा बेटर लगा, थोड़ा सा लाउड लगा। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को किसका स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीट एक्सपी में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का सपोर्ट मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, जबकि एस्टर में आपको हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी दोनों वॉच बराबर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एस्टर में आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि बीट एक्सपी में आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को सिंक नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों वॉच बराबर हो जाती है। और यूआई की बात करें तो यहाँ पर दोनों का यूआई भी काफ़ी अच्छा है और एक जैसा है और लैग नहीं करता है। सबसे पहले बात करते हैं बीट एक्सपी की, तो यहाँ पर ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, उसके बाद नीचे से स्वाइप करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो भी आपको वही फीचर्स मिलते हैं लूप में दिया गया है। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉचेस को चेंज कर सकते हैं, बाकी क्राउन को रोटेट करके भी वॉचेस को चेंज कर सकते हैं, और प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्पोर्ट्स मोड में चले जाएंगे। तो इस तरह का यूआई दिया गया है। वहीं बात करें एस्टर की तो यहाँ पर भी ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो जाती है, लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर मेन्यू में चले जाएंगे जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉचेस को चेंज कर सकते हैं और क्राउन को रोटेट करके भी वॉचेस को चेंज कर सकते हैं, बाकी प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ इस तरह का यूआई मिल जाता है और दोनों का यूआई भी अच्छा है और यूआई के मामले में भी दोनों वॉच बराबर हैं। बाकी लास्ट में आप दोनों के बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर एस्टर में आपको ऑलवेज ऑन के साथ 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बाकी अगर आप ऑलवेज ऑन को ऑफ रखते हैं तो आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और बीट एक्सपी की बात करें तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन के साथ मुझे 1 दिन का ही बैटरी बैकअप मिला, बाकी अगर आप ऑलवेज ऑन को ऑफ रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा सा एस्टर का बेटर लगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि इन दोनों वॉच में से कौन सी वॉच बेटर है और आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जितना कन्फ्यूज हैं उससे ज़्यादा मैं कन्फ्यूज हूँ कि कौन सी वॉच रिकमेंड करूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही आपको एक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं और दोनों वॉच बराबर है। बट यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बीट एक्सपी मुझे ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाती है जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर जो डिज़ाइन वगैरह है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, बाकी आप लोगों की अपनी पसंद हो सकती है। और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। बीट एक्सपी की बात करें तो ये 2300 रुपये में लॉन्च हुई थी और फिर इसका प्राइस हो गया था 3000, बट अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो ये 2300 रुपये में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। और फिटशॉट एस्टर की बात करें तो ये 2500 रुपये में लॉन्च हुई थी बट अभी इसका प्राइस हो गया है 3299 रुपये। तो ये अभी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है और दोनों में 1000 रुपये का डिफरेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को अभी लेना है तो भाई बीट एक्सपी ज़्यादा बेटर है और वैल्यू फॉर मनी वॉच है, और इससे बेटर वॉच आप लोगों को इस प्राइस में नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कुछ अच्छा मिलता है, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो अभी के हिसाब से बीट एक्सपी विनर है। बाकी अगर दोनों का प्राइस कम हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छी वॉच है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सी वॉच ज़्यादा बेटर लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे आप लोगों की राय जाननी है। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।